हेलो एवरीवन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। आज मैं आप सब के साथ डिस्कस करूँगी कि हमारे विचक्राफ्ट में एज वेल एज एस्ट्रोलॉजी में या फिर वास्तुशास्त्र में या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में फुल मून यानी पूर्णमासी का क्या महत्व है और उस दिन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। अमावस्या से लेकर यानी नो मून से लेकर पूर्णमासी तक यानी फुल मून तक ये जो 15 दिन का शुक्ल पक्ष का पीरियड है ये बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है और इन 15 दिनों में ही सारे शुभ काम किए जाते हैं। कोई अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं या फिर भगवान की कोई पूजा उपासना अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो शुक्ल पक्ष में यानी अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का जो 15 दिन का शुभ पीरियड है, पॉजिटिव पीरियड है, जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ऐसे पीरियड में ही किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगी कि विचक्राफ्ट के अनुसार कौन से ऐसे रिचुअल्स हैं जो फुल मून के दिन किए जा सकते हैं। सबसे पहली टिप है, अ क्लटर फ्री होम इज की टू प्रॉस्पेरिटी, यानी आपने अपने घर को हमेशा ही साफ सुथरा रखना चाहिए। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और उनकी हेक्टिक स्केड्यूल की वजह से अगर वो अपने घर को हर रोज़ साफ नहीं कर सकते तो उन लोगों ने एटलीस्ट एवरी सैटरडे, एवरी फुल मून डे और एवरी नो मून डे यानी हर शनिवार को, हर पूर्णमासी को, पूर्णिमा को और हर अमावस्या को अपने घर को बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। अब साफ करना चाहिए का मतलब है कि डस्टिंग वगैरह करनी चाहिए, अपना कबर्ड साफ करना चाहिए, चीज़ें ढंग से उनकी जगह पर रखनी चाहिए, बेडशीट्स बदलनी चाहिए और अपने घर में नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए। अपने घर में आपने कभी भी कबाड़ कचरा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, स्पेशली लोहे की चीज़ें या फिर लकड़ी की फालतू चीज़ें या फिर जंग लगी हुई चीज़ें या फिर जैसे टूटे हुए शीशे या फिर अगर कोई घड़ी आपके घर में बंद पड़ गई है तो ये सारी चीज़ें राहु को और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है, तो इसीलिए इन सबको आपने सबसे पहले अपने घर से निकाल देना चाहिए। सेकेंड टिप है कि फुल मून डे के दिन यानी पूर्णमासी के दिन अपने पूरे घर में आप जगह जगह पे घर के कोनों में रोज वाटर स्प्रे कर सकते हैं। थर्ड टिप है कि जब पूर्णमासी की रात को चंद्रमा आसमान में दिखता है उस समय पे आपने अपने एंट्रेंस गेट के सामने 5 कपूर की टिकिया पूरी जलानी चाहिए। फुल मून डे के दिन विचक्राफ्ट के अनुसार अपने पूरे घर को प्योरीफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विचक्राफ्ट में पैलो सैंटो की स्टिक्स जो आती है वो, इसके बाद सैंडलवुड की स्टिक्स और सेज, ये तीनों चीज़ें घर को प्योरीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। पैलो सैंटो की स्टिक्स या फिर सैंडलवुड की स्टिक या फिर सेज लेके आप उसको थोड़ा सा जला के उसका जो धुआं है वो आप पूरे घर में, घर के कोनों में, हर जगह पे आप फैला सकते हैं। इससे आपके घर का प्योरीफिकेशन होगा। इन केस अगर आपके घर में पैलो सैंटो या फिर सेज अवेलेबल ना हो तो ऐसे में आप अपने घर में रेगुलर जैसे हम लोग करते हैं वो हवन या फिर धूप भी कर सकते हैं। फुल मून डे के दिन लूनार गॉडेस को वर्शिप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहे तो वाइट कैंडल जो कि लूनार एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करती है वो भी जला के आप चंद्रमा की यानी लूनार एनर्जीज़ की पूजा कर सकते हैं। मून के अंडर बैठ के चंद्रमा की रोशनी लेते हुए मेडिटेशन करना भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना गया है। पूर्णमासी के दिन जैसे हम लोग पैलो सैंटो से या फिर सेज के थ्रू अपने पूरे घर को प्योरीफाई करते हैं उसी तरीके से हमारे बॉडी को भी हमें क्लेंस करते रहना चाहिए। तो उसके लिए हर फुल मून डे के दिन आपने अपने नहाने के पानी में नींबू के कुछ छिलके डालने चाहिए और उसके बाद उस पानी से नहाना चाहिए। घर को प्योरीफाई करने के बाद, हमारी बॉडी की क्लेंजिंग होने के बाद अब बारी आती है हमारे क्रिस्टल्स की। तो फुल मून डे के दिन क्रिस्टल्स को भी क्लेंज करके उन्हें चार्ज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि क्रिस्टल्स ही हमारी नेगेटिव एनर्जी से हमेशा रक्षा करते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो क्रिस्टल्स हमेशा यूज़ करते हैं उन्हें थोड़ी देर नमक के पानी में रख दें, उसके बाद एक कांच का बाउल ले लें, उसमें आप कोई भी होली वाटर डाल के उसमें आप नमक का पानी डाल दें और उन
क्रिस्टल्स को उस बाउल में कुछ देर के लिए रख दे, उसके बाद उसको निकाल के साफ पानी से आप धो ले, और उसके बाद अगर आप चाहे तो उसे मून एनर्जीज में यानी चंद्रमा की रोशनी में रात भर वैसे ही रहने दे, उससे वो क्रिस्टल्स जो है वो नेचुरली चार्ज हो जाएंगे। अगर आप नमक के पानी से कुछ क्रिस्टल्स नहीं वॉश कर सकते तो ऐसे में सेज लेके आप पहले उसके ऊपर से घुमाइए ताकि वो क्रिस्टल्स जो है वो नेचुरली क्लेंज हो जाए, और उसके बाद आप उसे चंद्रमा की रोशनी में रात भर रख दे। अब ये तो हो गई कुछ विचक्राफ्ट की रेमेडीज, अब हम लोग चलते हैं हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स की तरफ जहाँ पे पूर्णिमा का यानी पूर्णमासी का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो सबसे पहली टिप है कि पूर्णमासी के दिन आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। स्पेशली अगर आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो आप यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग मिलके चांदी के किसी भी बर्तन में आप दूध ले ले, कच्चा दूध ले ले, और फिर उस दूध से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे। तो जैसे सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है वैसे ही कुछ स्पेशल केसेस में चंद्रमा को भी अर्घ्य दिया जाता है। नॉर्मली आप सादे पानी से चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, लेकिन स्पेशली मैरिड लाइफ के लिए आप दूध से चंद्रमा को हर पूर्णिमा के दिन अर्घ्य दे सकते हैं। दूसरा उपाय है कि आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में खड़े होके या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ अपना चेहरा करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार मोती की माला से हर पूर्णिमा की रात को जाप कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की, माँ लक्ष्मी की और भगवान कुबेर की पूजा उपासना करनी चाहिए। अच्छी वेल्थ पाने के लिए, अच्छी मैरिड लाइफ के लिए, अपने बच्चों के सुख के लिए और अपनी अच्छी सेहत के लिए, या फिर अगर आपका चंद्रमा खराब हो तो ऐसे में भी पूर्णमासी का यानी पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। पूर्णिमा के दिन अपने पोछा लगाने के पानी में थोड़ा सा गौमूत्र डाल के फिर उस पानी से पूरे घर को पोछा लगाना चाहिए। हर पूर्णिमा के दिन अपने मुख्य द्वार पर हल्दी की पेस्ट बना के उससे ओम लिखना चाहिए, इससे भी आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होगी। हर पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर अपने आम के पत्तों का वंदनवार लगाना चाहिए यानी तोरण लगाना चाहिए, क्योंकि आम के पत्ते बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं और वो शुभता का कारक माने गए हैं। इसलिए जब भी हम लोग कोई शुभ काम करते हैं तब भी आम के पत्तों का वंदनवार लगाते हैं, लेकिन आपने हर पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर आम के पत्तों का वंदनवार लगाना चाहिए और वो हर फुल मून डे के दिन चेंज करते रहना चाहिए। फुल मून डे के दिन लहसुन, प्याज, अल्कोहल और नॉनवेज जैसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। उस दिन अपना आहार और विहार दोनों ही सात्विक रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूर्णिमा के दिन अपने नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए, उसी प्रकार से शेविंग को भी अवॉइड करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा, ये पांच पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस मानी गई है। पूर्णिमा वाले दिन ब्लैक और ग्रे कलर के कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपने लाइफ में लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में अपने नहाने के पानी में आप कुछ रोज पेटल्स डाल सकते हैं, इससे भी आपकी ज़िंदगी में प्यार जल्द ही आएगा। मैं मेरे सारे डियर सब्सक्राइबर्स के लिए एक खास टोटका बताती हूँ जो स्पेशली पूर्णिमा के दिन किया जाता है माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इस दिन माँ लक्ष्मी जी और कुबेर भगवान की पूजा उपासना स्पेशली वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए की जाती है। तो उपाय कुछ इस प्रकार है कि आपको 11 कौड़ियाँ लेनी है, उन 11 कौड़ियों को हल्दी की पेस्ट लगानी है बहुत अच्छे से, उसके बाद वो 11 की 11 कौड़ियाँ आपने माँ लक्ष्मी जी के सामने अर्पण कर देनी है। ये उपाय आपको पूर्णमासी की रात को करना है। रात भर वो कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी जी के पास ही रहने दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट डे यानी न्यू मून डे के दिन वो कौड़ियाँ आप एक रेड क्लॉथ में बांध के अपने अलमीरा में या फिर अपने लॉकर में या फिर जहाँ पे आप धन रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, ऐसी जगह पे आप रख दीजिए। उससे भी आप देखेंगे कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ बहुत आसानी से अट्रैक्ट होगी। अगर आप पूर्णमासी के दिन रुद्राक्ष या फिर स्फटिक की माला के ऊपर नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार या फिर आप जितनी मालाएं कर सकते हैं उतनी बार अगर आप शिव जी के इस मंत्र का जाप करेंगे तो डेफिनेटली आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ होगा। तो ये मेरा आज का पूर्णिमा के ऊपर का स्पेशल वीडियो आप सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए नीचे कमेंट्स के थ्रू। अगर पसंद आया है तो आप सबको पता ही है इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे हिट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के जो भी अपलोड्स है उसके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप पेड कंसल्टेशन में इंटरेस्टेड है और अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या फिर किसी प्रॉब्लम के लिए कोई स्पेशल उपाय या फिर टोटका चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे ekta.khodkar@gmail.com पे अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। Thank you so much for watching my video. Stay tuned for more such informative videos. Take care. Bye-bye.